भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जारी है। देश भर में पिछले 24 घंटों में 8603 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,46,24,360 हो गई है। तो वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 99,974 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार शनिवार को 415 लोगों की कोरोना वायरस से मौत की पुष्टि हुई है, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर अब 4,70,530 हो गई है। पिछले 160 दिनों से कोविड-19 के 50,000 से कम दैनिक मामले सामने आ रहे हैं। देश भर में अब तक 99,974 मरीजों का उपचार चल रहा है। यह कुल मामलों का 0.29% है, जो कि मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। देश में स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.35% है। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 2 मामलों में 2% की कमी आई है। दैनिक संक्रमण दर 0.69% है, पिछले 61 दिनों में यह 2% कम है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि साप्ताहिक संक्रमण दर यानी वीकली पॉजिटिविटी रेट भी 0.81% दर्ज किया गया है, जो पिछले 20 दिनों में 1% कम है। राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में कोरोना वायरस के खिलाफ 126.53 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी है। भारत की कोविड-19 टैली की बात करें तो 7 अगस्त 2020 को 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख, 5 सितंबर को 40 लाख और 16 सितंबर को 50 लाख मामलों को यह पार कर गया था। भारत ने 4 मई तक 2 करोड़ मामलों और 23 जून को 3 करोड़ के गंभीर आंकड़े को भी पार कर लिया था। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए punjabkesari.com के साथ।